जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले आपने लेक्चर नंबर 4 पढ़ा जिसमें हमने सबक नंबर 3 मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम, इसका मुसन्निफ का हाल जाना और साथ साथ मरकज़ी ख्याल समझा था। बाकायदा इस सबक के खुलासे के लिए हम ये लेक्चर पढ़ते हैं और अपने लेक्चर का आगाज़ इस खुलासे से करते हैं। ये मज़मून मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम बेहद तवील है, मगर हमारे निसाब में इसका इब्तदाई हिस्सा शामिल है। अलामा शिबली नुमानी बयान करते हैं कि 145 हिजरी तक तालीम जो है किताबों की बजाय हाफ़ज़े के ज़ोर पर कायम थी और मामूली जहन रखने वाला भी इसे पढ़ सकता था, और इसके लिए जो मज़ामीन थे, जो अलूम थे, वो भी वही थे जिनका ताल्लुक हाफ़ज़े से था। लेकिन जूँ जूँ तबद्दन व माशरत ने तरक्की की, तालीम में तब्दीलियाँ आईं, इस शोबे ने तरक्की की, तो इसमें तालीम में भी वसअत पैदा हुई और नए अलूम जिनमें सरफ़ व नहू, इस्माए अल रजाल और हदीसो फ़िका और दूसरे मज़ामीन हैं, सब इसमें रवाज पाने लगे। तो तालीम का जो दूसरा दौर है वो तब शुरू होता है जब मुसलमान स्पेन से लेकर अरब तक फैलते हैं, वहाँ तक आ जाते हैं, और मुसलमान अरब से निकलकर दूर दराज इलाकों और मुल्कों में फैल रहे हैं। इसी तरह उलूम व फ़नून भी तेज़ी से फैल रहे हैं और उनमें वसअत पैदा हो रही है। मरो, हिरात, निशापुर, फ़ारस, बगदाद, मिस्र, शाम, बुखारा और यहाँ पर अंदस में गली गली और गांव-गांव तालीमी दरसगाहें कायम हो रही हैं, और यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं लेकिन फिर भी वो फाल हैं। हुकूमत की सरपरस्ती उन्हें हासिल नहीं थी लेकिन वो फाल थीं, और जो मदारिस हैं उनका जो तरीक़ाकार था वो आज के दौर से भी ज़्यादा मुफीद है। तो हम देखते हैं कि उस ज़माने में जो है हमें मुसलमानों के तालीमी हालात का इससे जायज़ा मिलता है। हमारे पास कुछ ऐसे अदाद व शुमार नहीं कि हम इसका अंदाज़ा कर सकें कि औसत और फ़ीसद निकाली जा सके, लेकिन तबकात व तराजुम की किताबों से हमें यह अंदाज़ा होता है कि वो किताबें जो गारतगरी का शिकार हुईं, तबाह होने के बाद जो बचीं, उनसे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दौर में भी बेशुमार अहले इल्म और अहले दानिश, अहले कमाल जो इज्तिहाद के अहदे पर फाइज थे, मौजूद थे। डॉक्टर स्पिंगर के एक अंदाज़े के मुताबिक मुसलमानों के इस्माए अल रजाल में तकरीबन 5 लाख शख्सियतों के हालात पाए जाते हैं, और तालीम के लिए खानकाएँ, मस्जिदें और उसातज़ा के मकानात इस्तेमाल किए जाते थे। तालीमी लिहाज से अगर हम उल्मा के तालीमी हालात का भी मुताला करते हैं तो इससे हमें ये मालूम होता है कि जो उस दौर में एक उस्ताद होता था उसके सैकड़ों, उसके हल्का दर्स में सैकड़ों बल्कि हज़ारों तालिब इल्म हुआ करते थे। एक मशहूर मुर्रिख अलामा ज़ेबी का बयान है कि एक उस्ताद के हल्का दर्स में बहुत ज़्यादा जो है दवातें रखी जाती थी, तकरीबन 10,000 दवातें होती थीं, और बड़े इज्तमात में 200 इमाम हाजिर हुआ करते थे। तालीम का मुस्तफिद तरीका वही था जो आज है, यानी लेक्चर देने का। तलबा लेक्चर सुनते, लेक्चर सुनने के बाद उन्हें लिखते, और इन लेक्चरों को अमाली कहते हैं। तालीम को हासिल करने के लिए तलबा दूर दराज का सफ़र करते, इस सफ़र में उन्हें बहुत दुश्वारियाँ पेश आतीं और वो अहले इल्म और अहले कमाल लोगों की मजलिसों में पहुँच कर इल्म हासिल करते, और आला तलीम के लिए मनाजरा हुआ करता था। इस मनाजरे में बहुत से अलूम के मुबाइस ज़ेरे बहस आते, इन मजलिसों में उल्मा और तलबा ही शरीक होते थे, और एक आलिम मुकरर किया जाता था जो फ़ैसले का हक रखता था और वही फ़ैसला करता था। जो तलबा तहसील से फारिग होते उन तलबा को उस्ताद तहरीरी सनद देता, तहरीरी सनद के साथ साथ दर्स की इजाज़त देता, और जिस शख्स ने जो सनद हासिल की थी उसे उसमें तलसियान यानी गौन पहनने की इजाज़त होती थी। सबक के आखिर में अलामा शिबली नुमानी बयान करते हैं कि तालीम की वसअत के कई असबाब हैं। दीनी तालीम मज़हब का लाजमी जुज़ू था, चूँकि दीनी तालीम मज़हब का लाजमी जुज़ू था, इसमें दूसरे मज़ामीन लुक़्त व नहू और इसके साथ साथ हदीस व फ़िका और इल्मुल कलाम वगैरह भी इसके जुज़ बन गए थे, और अहले अरब की बजाय अहले अजम ने इसमें ज़्यादा तरक्की की। वो
बहुत सारे पेशवा और इमाम भी बने और इस मनसब पर फ़ाइज हुए। तलीम मसाजिद और दरसगाहों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अहले सरवत और अहले मनसब हजरात भी तलीम दिया करते थे। उस दौर में तलीम का तरीका इंतहाई आसान था। तलीम के लिए कोई मुकर्रा निसाब नहीं था। कोई भी शख्स अपने ज़ौक से कोई भी मजमून या इलम पढ़ सकता था। सिर्फ उम्रा और अहले मनसब और अहले सरवत ही जो कि तालीम की सरपरस्ती करते थे, वो ख़ुद भी तालीमी याफ्ता हुआ करते थे। यही वो असबाब हैं जिनकी वजह से तालीम में वसअत पैदा हुई। उस दौर में जो भी तसानीफ़ या किताबें लिखी गईं, उनका तहकीकी मेयार बहुत ही आला होता था, और वो जिन हाथों में पहुँचती थी वो भी आला तालीमी अहलियत के हामिल होते थे। तो ये हमारे इस सबक का ख़ुलासा था। इस सबक के ख़ुलासे को समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। इसके बाद मैं इसके नए लेक्चर में हाज़िर होऊंगा, जिसमें हम एक नया सबक पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।